अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी देखती आंखों और मेरे प्यारे प्यारे सुनते कानों, आपको निदा फरहान का अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रही है शाही हलीम। इसकी रेसिपी, इसके इंग्रेडिएंट्स, चलिए आइए मेरे साथ मेरे किचन में। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है व्यूअर्स हलीम। ठीक है, कैसे? सबसे पहले हम ये चिकन को सिंपली बॉयल कर लेंगे। ठीक है, ये हमने फ्लेम इसका ऑन कर दिया, इसको हम बॉयल कर लेंगे। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, अब हमारे पास ये मूंगी की दाल है, मसूर की दाल है, चने की दाल है, ये हमारे पास टोटा चावलों का, और ये माश की दाल, पांच छह दालें हैं। और व्यूअर्स, हम इसके अंदर थोड़ा सा कोई भी, या तो आप डिब्बे का पॉलिश ले लें, या व्यूअर्स आप या तो आप इसके अंदर डिब्बे का पॉलिश ले लें, या आप कोई भी इसके अंदर खुला वाला जो आम मिलता है वो पॉलिश ले लें, ये भी व्यूअर्स हम इसके अंदर चाहिए इसी इक्वल क्वान्टिटी में डाल देंगे। ठीक है, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब व्यूअर्स हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। अरे, इस डिब्बी के अंदर दालें जो है मिक्स करके डाल दी हैं, ऑरेंज भी और चावल। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे व्यूअर्स। ठीक है, इसके सारा ये जो दालों का ये मिक्सचर बन चुका है। अब व्यूअर्स हम इसको इस पतीले के अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो छान लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आधा इसके अंदर डल गया और आधा जो है ना व्यूअर्स, अब हम इसको दोबारा ग्राइंड करेंगे। सारा हमने छान लिया है व्यूअर्स, हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इसको व्यूअर्स आप ऊपर तक भर लें पानी डालकर। ठीक है, देखिए भर लिया। तो अब व्यूअर्स सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर, पानी डालने के बाद इसी के साथ व्यूअर्स हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई लम्स ना रह जाए। ठीक है, ये हमारा मिक्सचर जो है हमने पानी के अंदर अच्छा सा डिजॉल्व कर लिया। अब हम इसका फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे। जी व्यूअर्स, चिकन जो है ये हमारी बॉयल हो चुकी है। अब व्यूअर्स हम इसको श्रेड कर लेंगे। दाल जो है ये पक रही है, जो दालों का मिक्सचर था। ठीक है, अब हम इसके नीचे फ्लेम जो है वो तेज़ कर दें ताकि ये ज़रा तेज़ी से पक जाए। ठीक है, ऊपर ना ये जो हमारी चिकन बॉयल करके जो स्टॉक थी ना, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, दालें जो है ये पक रही हैं। अब व्यूअर्स, हमने चिकन जो है ये श्रेड कर लिया सारा, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, और व्यूअर्स हम इसको पकने देंगे। ठीक है, अब व्यूअर्स हम इस स्टेज के ऊपर ना इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइस किट है, इसकी मदद से हम ये हाफ चम्मच टर्मेरिक पाउडर, वन चम्मच जो है वो हम लाल मिर्च का पाउडर, और वन चम्मच साल्ट, ये हम पकते पकते डाल देंगे। और साथ में व्यूअर्स हमारे पास कलवंजी की थोड़ी छुटकी छुटकी भी हम ऐड कर देंगे और उसको व्यूअर्स को पकाना शुरू करेंगे। हमारे पास कूटी हुई लाल मिर्च है, ठीक है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको व्यूअर्स हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितना खूबसूरत हलीम पक रहा है। उसका कलर देखिए व्यूअर्स, आप चिकन देखिए व्यूअर्स, देखिए पक चुकी है। ठीक है, अब हम इस तरफ व्यूअर्स हमने एक फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल डाल लिया। ठीक है, और इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। ठीक है, अब जो है प्याज हम इसके लिए हलीम के लिए फ्राई करेंगे। तो प्याज हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। ठीक है, व्यूअर्स, अब हमारी हलीम पक के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है। ठीक है, अब व्यूअर्स इसके ऊपर व्यूअर्स हम ये जो अनियन फ्राई किया था इसको हम डालेंगे। ये हमारी हरी मिर्ची है, इसको ये इसके ऊपर हम ये नींबू रखेंगे। ठीक है, इस तरह व्यूअर्स, अब ये हमारे पास लाल मिर्च है। ठीक है, ये हमारे पास साबुत जो है वो हरी मिर्च है, ये भी हम इसके ऊपर रखेंगे। इसके सेंटर में हम नींबू रखेंगे, इसको हम कर देंगे प्याज के साथ।